पीके भाई, आर यू रेडी? या सबसे लेट किया है पीके ने, और फुटवेयर बदा करती लेट आप लोग। अशोक भाई ने तैयार कर लाया हूँ मैं, और रिहाई के लिए तो अशोक भाई हमारे यहाँ से, अशोक भाई रिहाई के लिए तो हमारे यहाँ से बोलता नहीं आता। तो फाइनली हमने यहाँ पे नाश्ता किया, ये गांव है खमला, नाश्ता किया है हमने भी, और हम लोग निकले हैं महाराष्ट्र बॉर्डर सखलचौन वाटरफॉल। फाइनली ये है खमला चौकड़ी। What a beauty! Beauty of dance. यहाँ से ओके फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कुंडा रिसोर्ट पे। ये है कुंडा रिसोर्ट, यहाँ से 500 के अंदर जाते ही सामने कुंडा रिसोर्ट है, आपको दिखाया जाऊँगा थोड़ा थोड़ा। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ तो आप कुंडा रिसोर्ट भी रुक सकते हो, आपको जब स्टे करना है तो यहाँ कुंडा रिसोर्ट पे आप स्टे कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम लोग स्टे नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मस्ता से हैं, तो हम लोग जाएंगे वाटरफॉल। वाटरफॉल का नाम है सखलचौन वाटरफॉल। तो हम लोग पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ जाके कैसा है वाटरफॉल। वैसे फोटो में तो बहुत सुंदर दिख रहा था, अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हमारी और से, और आपको हमारी नजर से दिखाएंगे। गाड़ी हम यहाँ पार्क करना पड़ेगा, हमको देखते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं भैया सखलचौन वाटरफॉल, हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, भैया से बात की है, गाड़ी रखते हैं, भैया ने बोला कि रख दो। तो हम लोग अब जाते हैं नीचे ट्रैकिंग करके, तो आपको दिखाते हैं ट्रैकिंग, चलो मेरे साथ। तो फाइनल हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल पे, ऐसे थोड़े नज़दीक गाड़ी हमने यहाँ पे पार्किंग कर दी है, और हम निकल पड़े हैं ट्रैकिंग के लिए। वैसे ये भैया ने बताया है कि 1 किलोमीटर होगा ट्रैकिंग करके जाना, तो हम लोग निकल पड़े हैं अभी। देख सकते हो आगे हमारे मित्रों बहुत उत्साहित होकर आगे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही पीछे आ जाएंगे क्योंकि थक जाएंगे। तो ऐसा है रास्ता कुछ इस तरफ का है। वैसे मित्रों ये धोध महाराष्ट्र में ही लगता है, वैसे हमने 2-3 बार गुजरात महाराष्ट्र होके हुए आए हैं भी। हमारे ग्रुप के रफ राइडर अशोक भाई शूज भी नहीं पहनते और चप्पल भी नहीं पहनते, सिर्फ सारी चप्पल पहन कर ट्रैकिंग करते हैं हमारे साथ, और सारा सामान अशोक भाई ही लेते हैं क्योंकि दूसरे कोई और में तो इतनी ताकत है नहीं कि वहां तक लेके जा सके। वाटरफॉल की आवाज काफी सुंदर सुनाई दे रही है अभी, तो मन उत्सुक हुआ है। ये हमारे दूसरे रॉफ राइडर बिना चप्पल के जूते के ट्रैकिंग कर रहे हैं हमारे साथ। हम लोग पहुंच चुके हैं और वाटरफॉल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही बढ़िया, वाओ क्या नजारा है, ऑसम, वाओ। आपको एक झलक दिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ से ऐसा दिख रहा है वाटरफॉल। आज 3 वाटरफॉल है यहाँ से, यहाँ पे एक ये और एक इसके ऊपर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, नीचे आपका नीचे जाके आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली हम नीचे पहुँचने वाले हैं, जरा सा भी बोल चुक आपको खतरे में डाल देती है, ऐसा ट्रैकिंग है यहाँ।
ऐसे ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं था लेकिन बहुत टफ था, उतरने में काफ़ी दिक्कत हुई लेकिन अच्छा है। वाव, आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है पहले से ही, लेकिन हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे 3 फ्लोर है तो हम लोग सबसे नीचे वाला फ्लोर पे आए हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा। ओ लेकिन यहाँ भी है तो गाइस, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल। हमारे टीम का वडिल एकमात्र वडिल जो लकड़ी लेके चलते हैं, हमारे ब्रो मॉडल ब्रो तो पहले से ही फ्रेम बना के बैठ गए हैं। अभी अभी के ब्रो इधर है। वाह, फाइनली हमारे मित्र बिना चप्पल बिना जूते के। ब्रो आपको कैसा लगा हमारे साथ पहले वाला ट्रैकिंग, कैसा लगा ब्रो आपको कैसा लगा? बढ़िया, कुछ बोलते नहीं है ब्रो। तो ये यहाँ का नज़ारा है। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हैं, आप देख सकते हो अभी लॉन्ग एक्सपोजर चालू है। ओ वाव वाव, आप देख सकते हो फोटोज कितना बढ़िया फोटोज मिला है हमें। ये देखो आपको दिखाता हूँ, वैसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आएगा आप देख लेना, लेकिन ये नज़ारा देखो, मन करता है कि यहाँ पे बैठ के चिल मारूं। वैसे हम चिल मारने के लिए भी लाए हैं, वो ड्रिंक विंक हम लोग नहीं करते, लेकिन हम लोग मैगी लाए हैं, वहाँ पे रखी है मैगी। ये देखो मैगी, हम लोग यहाँ पे मैगी बनाएंगे। और ये ब्रो इधर पानी में मछली का फोटो लेना है क्या आपको? ब्रो पानी में मछली का फोटो लेना है क्या? ओके ओके, तो चकले के फोटो खींच खींच के मछली के फोटो लेने वाले हैं अभी। और हमारा ब्रो रील के लिए रेडी है, वहाँ पे खड़ा है, वो देख सकते हो हमारा मॉडल श्री। और ये वाटरफॉल क्या ही बताए दोस्तों, ये नज़ारा वाव क्या बात। और ये हमारा ब्रो अभी जा रहा है पानी में डुबकी लगाने के लिए जा रहा है। ठीक है ब्रो, चलो जोर लगा के हैसा। ये ब्रो ये ही चिल मार रहा है अभी इधर। हमको तैरना नहीं आता। उंडू से एम के चेक करने के लिए गया था ये ब्रो। ये वॉटरफॉल क्या ही बताए दोस्तों, दिल खुश कर दिया। गाइस फाइनली हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है यहाँ से होके हुए। और ये वॉटरफॉल आप देख रहे हो, थोड़ा वीडियो में थोड़ा ब्लरी इफेक्ट दिखेगा क्योंकि हमने कैमरा पॉलिथीन बैग में डाला है, इसलिए चिंता कहीं नहीं होता। ले लेंगे पानी बोतल भी, चलो। तो हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से आगे जाएंगे, ये ऊपर चढ़ना है हमको, तो आगे निकलते हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ का व्यू काफी चिकना है। वहां पे हमसे वहां से इधर होके इधर आ गए। और ये नजारा, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। ऊपर वाले वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं, यहाँ का लॉन्ग एक्सपोजर लेना है मुझे, लेकिन बारिश आ रही है अभी, तो क्या करें, बारिश थम जाती है और हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर लेंगे।
पहले हम नहा लेते हैं थोड़ा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये फुटर अपनी जगह बना के बैठ गया है और ये ब्रो अशोक भाई मौज कर रहे हैं अभी इधर। तो फाइनली आप देख सकते हो यार बहुत ही बढ़िया व्यू है। नीचे वाला वाटरफॉल था इससे काफी था वो यहाँ पे है, और काफी सारे हमारे मित्र वलसाड़ के हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं अभी। बहुत ही ज्यादा वाटरफॉल खूबसूरत दिख रहा है, ऊपर से एक वाटरफॉल है नीचे से वाटरफॉल, क्या नजारा है वाव। हमारे अशोक भाई भी पूरी मौज ले रहे इधर, भाई हमारा पिंटा बॉय नंगा भाई मोगली है ये हमारा। तो ब्रो हमारे ये बंदा है उसको तैरना नहीं आता, और आप देख सकते हो हमको तो तैरना आ गया है, हमने सीख लिया। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी मौज। तो गाइस अशोक भाई हेलो गाइस तो हम लोग तैर रहे हैं अभी, हमको तैरना आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग तैर रहे हैं। वैसे पानी तो थोड़ा क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो हम लोग लुटी लगाते हैं। हम लोग मैगी बना रहे हैं फुल बारिश में, और हमारे अक्षय ब्रो मैगी फुल बारिश की मैगी, ये देखो ये मैगी और ये बारिश का मौसम और ये वाटरफॉल, वाह अरे वाह, क्या ही बताए आपको, एकदम मौज आ गई थे। वाटरफॉल वाली मैगी, पहाड़ों वाली मैगी तो हमने बहुत खाई, वाटरफॉल वाली मैगी खाएंगे। तो गाइस फाइनली हमने मैगी यहाँ शिफ्ट कर दी है, और यहाँ पे हम बना रहे हैं मैगी, ये देखो नीचे हमारा स्टोव और ये मैगी, और यहाँ पे वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा आपने देखा। तो गाइस फाइनली हमने मैगी बना ली और बारिश भी खत्म हो गई, अभी थोड़ा खुला है वातावरण और हम लोग मैगी खा रहे हैं वाटरफॉल पे। ये सब लोग दो लोग इधर और इधर और मौज ले रहे हैं मिहिर भाई। तो गाइस फाइनली वाटरफॉल को बाय करते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। हमारे दो बंदे रह गए हैं पीछे, इसको ले रहा है।